गुल महर का प्लांट दोस्तों कई सालों से ट्रेन कर रहा हूँ और अच्छे से नहीं भी कर पाया हूँ, क्योंकि पहले मैं वायरिंग किया उसमें भी फेल हुआ, फिर ट्रिमिंग किया, अब ये वाइगर ग्रोथ के लिए अभी छोड़ दिया था मैंने, पर उसमें थोड़ा क्या ड्रॉबैक होता है वो आज जानेंगे हम। तो पहले उसका फ़ायदा क्या है इस तरह प्लांट को इस तरह ज़्यादा ग्रोथ के लिए छोड़ देते हैं तो प्लांट में थिकनेस बढ़ जाती है दोस्तों, बट उसका ड्रॉबैक क्या है वो आज स्पेशली इसके पर है वीडियो। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ एक ब्रांच ग्रो हो चुकी है, ये देखिए हेल्दी ब्रांच है, बट यहाँ देखिए वो जहाँ से ग्रो हुई है उसमें जो नीची ब्रांच है ये ऊपर हो गई, तो इसमें अब अगर इसे अभी भी नहीं निकालेंगे तो ये ब्रांच मर जाएगी मेरे ख्याल से, तो उसको रोकना है तो इस ब्रांच को सर अभी का अभी हटा देना पड़ेगा। देखिए ये तो उसको हटा लेते हैं, तो हम प्लांट को शेप में भी ले आते हैं, देखिए कुछ ब्रांचिंग भी दिख रही है, बट इस तरह का कुछ होता है तो हमारी मेहनत पे पानी फिर ही जाता है, उसको सही तरीके से मुझे हटाना पड़ेगा। तो सीधा टूल नहीं हो रहा वहाँ, तो उल्टा टूल कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है, बेटर काम तो पूरा करेंगे। ओके हो गया, तो अब सब न्यूट्रिशन ऊपर जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। ये सकर ब्रांच हो गई थी, ऐसे ही यहाँ एक ब्रांच ग्रो हो रही है, वो भी बाद में जाके सकर ब्रांच हो जाती है। अगर हार्ड चॉपिंग करके उसको भी हम आगे ले चलते फिर भी अच्छा रहता है, बट इसमें बहुत वक्त लगता है इसलिए हम उसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ भी ड्रॉबैक मिला है पूरा का पूरा, ये ब्रांच हमारी पूरी की पूरी चली गई है दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसको हमने वाइगर होने दिया, तो यहाँ बहुत ही बढ़िया ब्रांचिंग थी वो चली गई है, तो उसको निकाल देते हैं, तो उसको भी ट्रिम कर लेंगे। तो जब तक बाहरी बारिश नहीं हो जाती तब तक तो हम इस तरह का कुछ ना कुछ काम करते ही रहेंगे, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तब तो कहीं दिक्कतें आना शुरू हो सकती है, इसलिए तब हम हेवी काम नहीं करते। तो अभी भी कुछ दिन नहीं आएगा ऐसा लगता है बारिश, पर मौसम ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी तो इसलिए यहाँ थोड़ा वेदर अनुकूल हो गया है, तो चलिए उसको इसी तरह से छोड़ देना है। उसको सीधा भी कर सकते हैं पोजिशन में लाने के लिए। अब यहाँ जहाँ जहाँ चॉप किया है वहाँ मैं लगा देता हूँ फंगीसाइड पाउडर दोस्तों। तो आज हमने जाना कि इस तरह अगर हमारी ब्रांचिंग वाला प्लांट है तो उसमें कुछ ज़्यादा ब्रांचें ग्रो हो जाती है इस तरह से, तो उसको ना होने दे, अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो ब्रांचिंग वाला जो प्लांट था उसकी कुछ ब्रांचें चली जा सकती थी, तो वो बातें ध्यान में रखनी है। सभी स्पीशीज में ये लागू होता है, यहाँ हीलिंग भी बढ़िया हुआ है, बढ़िया से ये प्लांट तैयार होने जा रहा है दोस्तों, तो बने रहे इसी तरह से। अभी उसको अब जो कोई भी ग्रोथ होगा अक्टूबर तक उसको ग्रो करवाएंगे हम, और अक्टूबर में फिर से एक बार ट्रिमिंग किया जाएगा, तो कब कब ट्रिमिंग करना है उसका भी ख्याल आ जाना चाहिए। ये पहला वर्क है इस सीजन का दोस्तों, यहाँ कुछ और भी दिख रहा है उसको भी हटा देते हैं, इस तरह बची हुई टिप पिछली बार की उसको भी हटा दे तो क्या होता है अच्छे से हीलिंग होता है, इस तरह अगर नहीं हटाएंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं बनेंगी, ये मैच्योरिटी दिखाती है प्लांट की। तो चलिए इसको पोजीशन में भी ला देंगे, मैं ला लेता हूँ, तो यहाँ मैं वायर खींच के बांध लिया है जिससे ये पोजीशन में आ गया है। तो इस तरह का जुगाड़ वगैरह करके हमें उसको अच्छे से रखना है, अब कोई भी ब्रांच स्ट्रेट होती दिखाई दे उसको तुरंत ही हटा देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ कुछ मूवमेंट भी दे देंगे बट अभी ज़रूरी नहीं है, पहले उसको अच्छे से कुछ ब्रांचें आने दे फिर पिंचिंग के बाद हम करेंगे कुछ, चलिए देखते हैं क्या होता है, इसके लिए तो बने रहना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।